चुनावी से पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता दौरे की तैयारी में जुटे हुए। आज सुबह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में समक्ष हमारी चुनौती नहीं है और ना ही हम किसी से डरने वाले हैं। देखिए रतलाम से तौफिक पठान की पूरी रिपोर्ट। रात में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नंद कुमार चौहान सर्किट हाउस पहुंचे। सुबह यहां पर उनका स्वागत जावरा के विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे, पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी सहित कई भाजपा नेताओं ने किया। यहां पर श्री झा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा देवी अहिल्या की नगरी इंदौर से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। श्री शाह वहां महाजनसंपर्क अभियान करेंगे और 9 जिले में 9000 कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। वहां से वे आदिवासी बाहुल झाबुआ पहुंचेंगे, जहां पर अनुसूचित जनजाति के होने वाले सम्मेलन में भाग लेंगे। वहां से वे सीधे जावरा में आयोजित किसान सम्मेलन में भाग लेंगे और उसके बाद उज्जैन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जहाँ पर जनप्रतिनिधि अपेक्षित बूथ कार्यकर्ता शामिल होंगे। श्री झा ने कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक दिन में 17 जिलों के 15,000 कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। श्री झा से सपाक्स के आंदोलन पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सपाक्स हमारी चुनौती नहीं है और उनसे डरने वाले नहीं हैं। जब वे कांग्रेस से नहीं डरे तो सपाक्स से क्या डरेंगे। उन्होंने कहा कि 282 जनता और कार्यकर्ताओं की ताकत से जीतकर सरकार में पहुंचे थे और कार्यकर्ता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और तय कार्यक्रम के तहत ही एक दिन में वो 17 जिले से संपर्क करेंगे, 17 जिलों के 15,000 कार्यकर्ताओं से और दोनों जगह मिला के मुझे लगता है 1.5 लाख लोगों से वो किसान और अनुसूचित जनजाति के लोगों से। रोहित जी एक और सवाल है कि इस देश में और खासकर मध्य प्रदेश जिन 3 राज्यों में चुनाव है, SC/ST संशोधन बिल को लेकर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या 6 तारीख को इसमें कुछ संशोधन बयान देंगे? देखिए उस पर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आया उस पर सरकार की सोच रही होगी, परंतु यह भी सोचना चाहिए हिंसा हमारे देश का रास्ता है। अपनी बात कहिए, सरकार विचार करे क्या होगा, सकता है नहीं सकता। लेकिन धमकाना, चमकाना, डराना, उचकाना, राजनीति में हम 282 जनता की ताकत और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत सुनाए और ऐसी चीजें हमेशा सुहाग समय आती है, इसलिए अपनी बात कहें, जो करना हो करें, लेकिन समाज को और समाज की सामाजिक समरसता को। सपाक्स खड़ी हो रही है? अरे सपाक्स खड़ी क्या है, हम कांग्रेस से नहीं डरे, तो खड़ी होने का तो अधिकार है, खड़े हो जाए, हम क्या दिक्कत है। कोई संख्या भी रही लेके आना है टारगेट, हजारों की संख्या में झाबुआ और हजारों की संख्या में जावरा। अब ये तो ऐसा सवाल तो छोटा आती है, बड़ा सवाल है। देखिए अभिव्यक्ति जो आती है उस पर से कोई ना कोई बातें तो होती है, अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और सरकार को सोचने का। थैंक यू।